अभी अपना टिकट आ चुका है, तो टिकट है 40 रुपीज़ में, अपना ऑर्डर आ चुका है। भाई करना जरा ना, बिल्कुल बॉक्स में भाई कैसे करना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं अभी आबू रोड से माउंट आबू की तरफ। तो सबसे पहले अपन जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ, तो यहाँ से 2 मिनट की दूरी पे ये जो बस स्टैंड है, तो पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा, फिर वहाँ से अपनी माउंट आबू के लिए गाड़ी लेनी होगी। तो चलिए चलते हैं। तो यार राजस्थान का अपना एक हिल स्टेशन है ये, और इसको राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। तो दोस्तों आ गए हैं अपन आबू रोड के बस स्टैंड पर, तो यहीं से गाड़ियाँ लगती है। तो ये गाड़ी शायद जा रही है माउंट आबू की तरफ। और भाई होटल्स वगैरह तो आपको यहाँ पे भी काफ़ी मिल जाएंगे, बट मैं यहाँ रिकमेंड नहीं करूँगा आपको लेने के लिए, तो आप नक्की लेक के पास ही लें। तो हम भी वहीं जाके ट्राई करेंगे, अभी तक हमने कोई बुकिंग वगैरह नहीं किया ऑनलाइन, तो हम वहीं जाके ऑफलाइन बुकिंग करेंगे, क्योंकि यार ऑनलाइन में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है और व्यू का कुछ पता नहीं चलता कि किस तरीके का व्यू आपको दे रहे हैं। तो भाई अपना टिकट आ चुका है, और जो टिकट है 40 रुपीज़ का है भाई, ये आपको दिख रहा होगा, ये 40 रुपीज़ का टिकट है। और ये गाड़ी है माउंट आबू के लिए, यहाँ से राजस्थान रोडवेज की तरफ से बसेज भी चलाई गई हैं, और उसके लिए मतलब गुजरात ट्रेवल की तरफ से भी यहाँ पे बसेज आती हैं, जो कि हर आधे एक घंटे में आती रहती है। तो हम इसी बस से जाने वाले हैं, क्योंकि इस बस के बाद जो दूसरी बस है वो 2:30 बजे मिलेगी हमें, तो हमें मतलब काफ़ी लेट हो जाएगा 2 घंटे का, और हम वहीं पर खाना खाएँगे। हमने ये इसीलिए डिसाइड किया है, वरना हम खाना यहाँ पर खाते, बट अब हम खाना खाएँगे नक्की लेक के पास में जब हम होटल ले लेंगे, क्योंकि यार हम यहाँ पर अपने 2-3 घंटे वेस्ट नहीं करना चाहते, ताकि हम आज का जो वीडियो है पूरा अच्छे से शूट कर सके, क्योंकि आज हमें 3-4 पॉइंट कवर करने हैं, जिसमें सनसेट पॉइंट होगा एक, तो और दूसरा होगा हमारा नक्की लेक, और तीसरा हमारा होगा टोड रॉक। तो ये 3 हम आज कवर करने वाले हैं। यार टिकट कटी हुई टाइमिंग के अकॉर्डिंग 12:30 बजे चलेगी, और अभी तो 11:55 ही हुए हैं, तो तकरीबन 35 मिनट बाकी हैं अभी। तो भाई गाड़ी बिफोर टाइम चल पड़ी है 12:10 पे। तो दोस्तों यहाँ से 24 किलोमीटर जो है डिस्टेंस हमें अभी कवर करना है माउंट आबू पहुँचने के लिए, और इसके लिए हमें लगेगा तकरीबन 1 घंटा। तो अभी तो सफ़र स्टार्ट ही हुआ है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। कुछ टोल देना पड़ता भाई। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं माउंट आबू में 1:20 पे। तो भाई ये हैंड टू हैंड ये गाड़ी निकल जाएगी अभी 2 बजे सीधा रिटर्न, आधे घंटे यहाँ रुक के। तो भाई आज है सैटरडे, और सैटरडे को ये पीक सीज़न मतलब पीक टाइम होता है वीक का, क्योंकि गुजराती भाई हमारे यहाँ पर आते हैं फुल, और राजस्थानी भाई तो फुल आते ही हैं यहाँ पर पहले से, तो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ट्रैफिक रहता है आज के दिन यहाँ पर। तो हम आज यहाँ के मतलब लोकल जो पैदल हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि टोड रॉक है, नक्की लेक है, और सनसेट पॉइंट है इवनिंग को जो मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज इस व्लॉग के अंदर दिखाने वाला हूँ। फिलहाल अभी अपने को पहले खाना खाना है, क्योंकि यार अभी 1:30 बज चुके हैं और भूख बड़ी ज़ोर से लग रही है, और उसके बाद अपन होटल देखेंगे या फिर कोई गेस्ट हाउस देखेंगे या फिर कोई धर्मशाला देखेंगे जो कि बजट के अंदर हो, क्योंकि अपन बजट ट्रिप ही प्लान कर रहे हैं ये। तो दोस्तों अगर आप माउंट आबू आने का प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पर आने के लिए मतलब आप अगर बाय एयर आना चाहते हो तो उदयपुर सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है यहाँ पे, और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आबू रोड जो कि हमने अभी दिखाया आपको, तो आबू रोड सबसे नियरेस्ट है, जो कि 24 किलोमीटर पड़ता है। और अगर इसकी अहमदाबाद से दूरी देखी जाए तो वो है 230 किलोमीटर, और अगर जयपुर से देखी जाए तो इसकी लगभग मतलब बाय रोड तो 500 किलोमीटर हो जाता है ये। और अगर नियरेस्ट देखा जाए उदयपुर, जो कि दूसरा मतलब विजिटेबल प्लेस है, तो वो है यहाँ से 160 किलोमीटर। तो यार सारे मतलब सारी जगह से कनेक्टिविटीज़ की आपको मिल जाएगी, और काफ़ी बड़ा स्टेशन है इसका जो आबू रोड है। भाई अभी तो हम जाएंगे डोमिनोज और खाएंगे पिज़्ज़ा, देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से क्या प्रोसेस है। तो ऑर्डर दे कर आते हैं अंदर, और एक ऑनियन हाँ दो ऐड कर देना, 9887। तो यार अपना ऑर्डर तो हो गया है, लेकिन अभी उसमें लगेंगे 15 से 20 मिनट, तो अभी थोड़ा वेट करना होगा। मैं थोड़ा एडिटिंग वाला पार्ट कर लेता हूँ, ये वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक लाने के लिए एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ अपनी। तो भाई अपना ऑर्डर आ चुका है, ये खोलते पहले कौन सा भाई। अच्छा ये कैप्सिकम है, टॉपिंग कम दिख रही है लेकिन
स्टार्ट करते हैं पिज्जा। चलो भाई खा लो आती वाले, क्योंकि यार गर्म बहुत होता है। तो ये हो रही है दूसरे पिज्जा की अनबॉक्सिंग, ऑनियन था। तो भाई रेडी हो गया, अपना लंच तो हो गया और बाकी अपन देखते हैं, थोड़ा सा घूमते हुए ही खाना है। फिलहाल दोस्तों अपन ने रूम कर लिया है और रूम टूर मैं आपको रात को दूंगा, रात वाले व्लॉग के अंदर। तो फिलहाल अभी अपन जा रहे हैं टॉडरो की तरफ और नैनीताल याद आ रहा बार बार। तो फिलहाल जा रहे हैं अपन नक्की लेक की तरफ। तो नक्की लेक सबसे पहले अपन नक्की लेक दिखाते हैं, उसके बाद टॉडरो दिखाएंगे और देन अपन जाएंगे सनसेट पॉइंट। टॉडरो जाने का जो रास्ता नक्की लेक के बगल से होता हुआ है, तो यहाँ से अपने को लेफ्ट में जाना है, क्योंकि वो लेफ्ट में ऊपर की तरफ। क्या वो शिप बना रखी है, ऐसी है नकली है वो पत्थर की शिप है, वो पानी के बीचों बीच। तो उसके अंदर रेस्टोरेंट चलता है। हाँ, ऐसा कुछ बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है टॉडरो के लिए जो रास्ता है ये ऊपर, आप सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। तो अपन चढ़ रहे हैं सीढ़ियाँ और मेरे पीछे देखिए यार, जो रास्ता नक्की लेक का जो नज़ारा है वो आपको दिख जाएगा, कितना खूबसूरत नज़ारा जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। बरसात के दिनों में तो कैसा ही लगता होगा वो तो आप इमेजिन ही कर सकते हो। जैसे अपन ऊपर चढ़ते जा रहे हैं तो नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। तो मेरे पीछे आप देख लो नक्की लेक का नज़ारा और ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं, यह है टॉडरो। और भाई इस तरीके का है कुछ यहाँ पे, देखो यार हवा यहाँ पे बहुत शानदार चल रही है, जो विंड नॉइज़ आपको सुनाई भी दे रही होगी। पीछे पूरा ग्रीन जंगल है और दोस्तों यहाँ पे बताया जाता है कि भालू वगैरह हैं। और भाई सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक येलो लाइन दी हुई है, इससे आगे ना जाए क्योंकि उसके बाद सीधा ही मतलब ढलान है और आप सीधा ही खाइए, थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होता है तो आदमी सीधा खाई में जाता है। तो देखो कितनी हाइट पे ये, और वो फाउंटेन देखिए, फाउंटेन की हाइट आप क्या समझते होंगे, वो तकरीबन 60 फीट हाइट तक पानी को फेंक रहा है। तो मैं आपको पास से थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ, फिलहाल आप ये देखिए। तो इसी के कारण इसका नाम टॉडरो रखा गया है, और बोलते हैं कि इसका जो शेप है वो मेंढक की तरह है, बट मेरे को मेंढक कम जैगुआर की शेप ज़्यादा दिखती है, जैसे जैगुआर का अगर आपने लोगो देखा हो थोड़ा सा फ्लाइंग करता हुआ। तो आधे घंटे के बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं और धूप होने के बावजूद भी धूप लग नहीं रही थी क्योंकि यहाँ पर ठंडी हवा चल रही है। तो थोड़ा सा मतलब आप आधा एक घंटा, अगर मौसम अच्छा हो तो एक घंटा हो सकता है, और ऐसे टाइम पर आप आधा घंटा वहाँ बैठ के इन्जॉय कर सकते। तो ये कुछ गुफा है भाई चंपा केव, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने मेडिटेट फॉर सम वीक्स इन दिस केव फ्रॉम April 1891, कुछ इस तरह दिखाते हैं। तो देख लो यार कुछ इस तरीके की गुफा है, अंदर से कुछ ऐसी दिखती है और ये पूरा पहाड़ का ही है यार। फिलहाल हम जाएंगे इस बोट पे और आपको दिखाते हैं इस बोट पे नज़ारे। तो भाई ये है सरोवर, चलो अंदर चलते हैं। और खुशबू यार गजब ही आ रही है यहाँ पे स्वीट कॉर्न की। तो भाई ये कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए थोड़ा सा मैं दूर जा रहा हूँ उससे, क्योंकि साउंड वहाँ पे काफ़ी तेज चल रहा है। तो ये देखिए भाई, ये अपन आ गए उस पॉइंट पे जो मैंने आपको दिखाया था, और ये कुछ बोट रेस्टोरेंट बनाए हुए इन्होंने, उसका नाम है सरोवर द फैमिली रेस्टोरेंट। और अंदर आप चाहो तो एसी के अंदर भी बैठ के खा सकते हो खाना वाना, लेकिन मैं तो बाहर ही प्रेफर करूँगा यार, क्योंकि बाहर का जो नज़ारा है बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये देख लो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेन्यू दिखा देता हूँ मैं आपको, इधर का मेन्यू देख लीजिए पॉज करके। तो ये देखिए दूसरा मेन्यू, अभी अपन वहाँ टॉडरो पे थे, फिर यहाँ से अपन आए। काफ़ी ज़्यादा खुशबू आ रही थी तो हमने यहाँ पे स्वीट कॉर्न ले लिया है। तो भाई ये अपना स्वीट कॉर्न आ गया है, और देखिए यार कितनी पब्लिक आई हुई है, कितने टूरिस्ट आए हुए हैं, सभी मतलब मैक्सिमम जो पब्लिक है यहाँ पे गुजरात से है। तो अगर आपको वाटर अब्जॉर्बिंग करनी हो
तो उसके लिए भी यहाँ पे मतलब बनाया हुआ है काउंटर। तो ये कुछ बैठने की व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई है बहुत सुंदर ही, और रात के टाइम इसमें जो रोशनी पड़ती है और यहाँ पे बैठ के लोग बाग इसका आनंद लेते हैं। और भाई इसके आसपास का जो पूरा मार्केट है वो भी पूरा रोशनी में जगमगा जाता है शाम के टाइम पे। तो मैं आपको दिखाऊंगा पूरा नाइट मार्केट, उसके लिए मैं अलग से व्लॉग बनाने वाला हूँ। फिलहाल मैं आपको नक्की लेक का दिखा देता हूँ, और अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे क्रोकोडाइल गार्डन है शायद उसका नाम, तो उस तरफ पड़ता है, तो मैं उधर जाके आपको दिखाता हूँ। तो ये जो फाउंटेन्स है इनको यहाँ से प्रेशर दिया जा रहा है, और दूसरा इसका नाम जो है वो है क्रोकोडाइल गार्डन। तो जैसा कि आपको गेट के अंदर घुसते ही जो फाउंटेन दिख रहा है वो क्रोकोडाइल की शेप में दिख रहा होगा, और यहाँ पे बच्चों के लिए डिफरेंट डिफरेंट झूले भी लगाए हुए हैं जो आपको दिख रहा होगा। तो बिल्कुल लेक के जस्ट बगल में गार्डन बहुत ही सुंदर है। तो देखिए भाई शिवलिंग बना हुआ बीचों बीच इन क्रोकोडाइल्स के बीच में, तो ये फाउंटेन चलता है। तो ये जो लेफ्ट की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है भाई नक्की लेक की तरफ वाला जो पॉइंट है उस तरफ, वो सामने जो है स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा बनाई हुई है। ये जो पॉइंट है बहुत खतरनाक पॉइंट है, यहाँ पे बनाना चाहिए बाउंड्री कुछ, ताकि आप देखिए लोग बाग कैसे इंजॉय कर रहे हैं बोटिंग राइड को। और हाँ दोस्तों ये सैटरडे है इसलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बाकी मंडे से लेकर फ्राइडे तक यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होता है उजूम। तो चलिए दोस्तों अभी यहाँ से चलते हैं सनसेट पॉइंट की तरफ, लेकिन सनसेट होने में अभी यार बहुत ज़्यादा टाइम है, मतलब अभी तकरीबन 1.5 से 2 घंटा है अभी। भाई सनसेट पॉइंट का जो रास्ता है वो भी काफ़ी खूबसूरत है यार, काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे। दोस्तों ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं, तो यहाँ से मतलब रोड ख़त्म हो जाएगा थोड़ी दूर से, उसके बाद हमें थोड़ा सा चढ़ना पड़ेगा। तो ये देखिए भाई हॉर्स राइड इंजॉय करते हुए, और उस पॉइंट के बाद आपको पैदल ही जाना होगा, चाहे आप गाड़ी से आएँ चाहे आप घोड़े से आएँ। चलो भाई क्या कहाँ से टिकट कटेगा कितने? तो भाई यहाँ से टिकट भी लेना पड़ेगा। भाई ये तो मेरे को सुन के पहले ही झटका लगा कि यार ये 85 का टिकट, इतना कुछ था भी नहीं, पहले तो ये फ्री था, लेकिन अभी इसका कुछ ज़्यादा ही चार्जेस लेने लग गए यार। कोई लोग मतलब कहीं दूर से आते हैं और ये सोच के आते हैं पब्लिक फैमिली के साथ, तो 85 पर हेड यार बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है। अगर 5 लोगों की फैमिली भी आती है तो 400-500 तो उसी का ही हो जाता है, तो इतना तो वर्थ नहीं है यार इसका, जिस हिसाब से ये लोग चार्जेस काट रहे हैं। भाई ऐसा कोई मेंटेनेंस भी नहीं है, गंदगी तो हर जगह दिख रही है मुझे यहाँ पे भी। तो सूरज आपको दिख रहा होगा कितनी हाइट पे अभी भी, टाइम भी अभी यार 5:46 ही हुआ है। तो भाई यहाँ वो आके आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप राजस्थान में, क्योंकि यहाँ के जो बोर्ड्स हैं ना साइन बोर्ड्स वो भी गुजराती लैंग्वेज के अंदर है, और लोग भी मतलब 90% गुजराती ही मिलेंगे आपको चारों तरफ। इवन यहाँ पे जो शॉपकीपर्स भी हैं जिनके दुकानें 80-90% वो सब गुजराती ही हैं। यहाँ पे एक वार्निंग दी गई है, और यहाँ से जो है मतलब रोड ख़त्म हो जाता है और सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती है, और इसके बाद जो है ऊपर चढ़ते जाओगे जैसे जैसे पॉइंट पे, तो जो टॉप पॉइंट है वही इसका सनसेट पॉइंट है। तो भाई आ गए हैं अपन सनसेट पॉइंट पे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सनसेट पॉइंट नहीं है, यहाँ पे और भी है जो आपको ऊपर दिख जाएगा, उधर भी है एक, उधर भी है, और एक जहाँ पर हम खड़े हैं वो सबसे नीचे वाला सनसेट पॉइंट है, और इसका जो व्यास है मतलब जो जगह है वो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं तो पूरा माउंट आबू सेरा आपको यहाँ से दिख जाएगा। तो भाई मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, ये देखिए कितने डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे सनसेट पॉइंट बनाए गए हैं। तो भाई वो देखिए जूम करके दिखाता हूँ आपको, वो देखिए। तो भाई यहाँ पे हमने एक चाय ले ली है। भाई चाय अगर अच्छी नहीं है ना देख लेना फिर, पक्की बात है। तो भाई ने अपने को चाय दी है, तो देखते हैं कैसा टेस्ट। क्या क्या मिलाया इसके अंदर यार तुमने, क्या क्या मिलाया? लौंग भी मिलाई है ना, और सौंफ, अदरक और सौंफ होती है, सौंफ भी डालिए ना। हाँ, तो अदरक सौंफ लौंग, तो इनका सबका टेस्ट आ रहा है, अच्छी चाय बनाई है। सनसेट का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, और पब्लिक देखे भाई चारों तरफ, पब्लिक भाई चारों तरफ मेरे, तो डिफरेंट डिफरेंट पोज करके लोग बाग फोटोज क्लिक करवा रहे हैं अपने यहाँ पे।